ये है उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम का वेयर हाउस, जहाँ पर जनपद संभल के प्रत्याशियों की किस्मत जिन ईवीएम मशीन में बंद है कड़े पहरे में रखी है। लेकिन हेर फेर की आशंका के मद्देनजर चंदौसी विधानसभा से सपा प्रत्याशी विमलेश कुमारी अपने समर्थकों के साथ निगरानी कर रही हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वेयर हाउस में बनाए गए स्ट्रांग रूम में तोता घुस गया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ निगरानी में लगातार जुटे रहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी को जनपद संभल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रयोग की गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। मकसद है आपका यहाँ पर निगरानी करने का? देखिए, अपने ईवीएम की रखवाली हम लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें असुरक्षा का डर है। क्योंकि चुनाव के जैसे ही पोलिंग हुआ, कहीं हमारी ईवीएम में लोगों के साथ ईवीएम खराब हुई, ईवीएम की बैटरियाँ खराब हुई, वो बिना सील के भी आई। यहाँ काउंटी के साथ में हम लोगों ने जब सील कराई है, उसके बाद से हम लोगों ने आर ओ साहब से डिमांड भी की कि आप हमारे लोगों को यहाँ रोकिए, और वो डिमांड हमारी कल से पूरी हुई है। हम उसके बाद से ही लगातार, जब यहाँ से सील हुआ है दरवाज़ा, उसके बाद से हम कंटिन्यू खड़े हुए हैं। हम लोग पूरी पूरी रात खड़े रहे, दिन में भी हम लोगों ने तैनाती दी है, सिर्फ इस वजह से ताकि हमारी ईवीएम को सेफ रखा जा सके और हमारा चुनाव जो हुआ है निष्पक्षता से, उसका परिणाम भी हमारे सामने है। सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो यहाँ के प्रशासन, हमारे जो अधिकारी हैं आर ओ साहब, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगाए गए हैं, वो मात्र दरवाजे शो कर रहे हैं चारों। मेरा उनसे अनुरोध है कि जो दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, जहाँ हमारी ईवीएम रखी हुई है, उन ईवीएम में क्या वो हलचल है कि नहीं है, हमारे वहाँ सेफ है अंदर, कैसे हमें पता चले। मेरे उनसे इस माध्यम से है उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारी डिमांड है, हमारे लोगों को उन्होंने इजाज़त दी है बैठने के लिए, उसका धन्यवाद। लेकिन हमारी डिमांड है कि आप बाहर के जो कैमरे हैं उसके साथ साथ आप अंदर भी कैमरा लगवाएं, ताकि ईवीएम पे सीधी हमारी जो यहाँ निगरानी करता जो बैठे हैं उसकी जो है निगाह वहाँ रहे। और जिस तरीके से पिछली बार तोते उड़ाने की बात रही, देखिए तोता जाली नहीं तोड़ सकता। अगर आपका सुरक्षा घेरा इतना कमज़ोर है और केवल तोते के उससे ही टूट जाए, तो फिर जो लोग यहाँ इतनी बड़ी कारिस्तानी करने आएंगे, तो वो तो बहुत सारे संसाधनों के साथ आएंगे। तो अनुरोध है मेरा उन लोगों से कि हम लोग निष्पक्ष जो है अपना परिणाम चाहते हैं, और हम भय के साए में हैं कि हमारे साथ कुछ भी जो है हो सकता है, हमारे उसकी छेड़छाड़ की हमें उम्मीद है। जिस तरीके से माहौल में लोगों के अंदर क्षेत्र में भी लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे नरौली क्षेत्र में लोगों से हमारे गाली गलौच भी हो रही है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बोले जीत तो हम ही रहे हैं, जीत तो हम ही रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारी लीड, हमारे क्षेत्र के सभी तबके के लोगों ने हमें वोट दिया है, सभी धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है उस लोगों के सहयोग के आधार पर कि हम 50,000 की लीड पर जीत रहे हैं। उन लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी है, इसीलिए हम अपने इन ईवीएम की रखवाली हेतु इस वेयर हाउस के सामने खड़े हैं। कोई ना कोई टीम हमारी खड़ी रहती है, एक बंदा हमारा अंदर रहता है, बाकी लोग हमारे आसपास के दायरे में भी खड़े रहते हैं, जिससे कि हमें कोई भी अगर हलचल हो, कोई गाड़ी बाहर आए जाए, उसके आवागमन की जो सूचना है वो हम तक समय से पहुँचती रहे।